आज अपन बात करेंगे विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर। मैंने अर्लियर क्लास के अंदर एक बात कही थी कि मर्केंटाइल लॉ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वस्तु विक्रय अनुबंध से आपका क्या अभिप्राय है, विक्रय एवं विक्रय के ठहराव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वस्तु विक्रय अनुबंध को जब मैंने धारा 4 सबसेक्शन 1 अंदर डिफाइन किया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि जब विक्रेता क्रेता को मूल्य के बदले में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है अथवा हस्तांतरण करने के लिए सहमत होता है, तो इसे हम वस्तु विक्रय अनुबंध की श्रेणी में रखेंगे, वो वस्तु विक्रय अनुबंध कहा जाएगा। धारा 4 सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा है कि जब विक्रेता क्रेता को मूल्य के बदले में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत कर देता है तो उसको विक्रय कहेंगे। और धारा 4 सबसेक्शन 3 के अंदर ही जब विक्रेता क्रेता को मूल्य के बदले में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी तिथि को या कोई उल्लेखित शर्त पूरी होने के पश्चात करता है तो उसको विक्रय का ठहराव कहेंगे। तो दोनों के अंदर आधारभूत अंतर है जिसको अपन निम्नांकित आधारों पर जो है हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला अंतर का आधार है निष्पादन। एक एक शब्द पे आप ध्यान देंगे तो हर पंक्ति जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। निष्पादन, ध्यान रहे विक्रय का अनुबंध जो है वो एक निष्पादित अनुबंध है, निष्पादित एग्जीक्यूटेड, जबकि विक्रय का ठहराव में निष्पादन होना शेष रहता है, निष्पादन नहीं होता है, एग्जीक्यूटरी है ये, निष्पाद की है कह सकते हैं। तो विक्रय का अनुबंध एक निष्पादित अनुबंध है जबकि विक्रय का ठहराव निष्पाद की अनुबंध है, इसमें निष्पादन होना शेष है। स्वामित्व का हस्तांतरण, विक्रय होते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तत्काल क्रेता को हो जाएगा, लेकिन विक्रय के ठहराव में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी तिथि को या उल्लेखित शर्त पूरी होने के पश्चात होगा। अंतर का आधार लेते अपन माल की प्रकृति, नेचर ऑफ द गुड्स। जिस चीज का आप विक्रय करने जा रहे हैं वो माल आइडेंटिफाइड होगा, निश्चित होगा, लेकिन विक्रय के ठहराव में माल निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, अनआइडेंटिफाइड हो सकता है, भावी हो सकता है। इसी तरीके से अधिकार, जब विक्रय हो जाता है तब क्रेता को संपूर्ण विश्व के प्रति अधिकार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन विक्रय के ठहराव में केवल व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होगा, केवल व्यक्तिगत। इसी तरीके से मूल्य के लिए वाद, अगर मान लीजिए माल का विक्रय हो गया तो विक्रेता क्रेता से मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन विक्रय का ठहराव हुआ है तो केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अंतर का आधार लेते हैं हम जोखिम। विक्रय होते ही जोखिम क्रेता की मानी जाएगी, रिस्क फॉलोड ओनरशिप। जोखिम स्वामित्व का पिछ लघु है, जहां जहां स्वामित्व जाएगा वहां वहां सामान्यतया जोखिम भी जाएगी, तो विक्रय होते ही जोखिम क्रेता की हो जाएगी, लेकिन विक्रय के ठहराव में जोखिम विक्रेता की ही बनी रहेगी।
यदि हम शर्त को अंतर का आधार लें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विक्रय एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, शर्त रहित, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन होती ही विक्रय का ठहराव हो जाएगा। विक्रय एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है जबकि विक्रय के ठहराव के अंदर शर्त होती है। वो शर्त समय से संबंध भी हो सकती है या किसी भिन्न रूप के अंदर भी हो सकती है। जहाँ तक काल का सवाल है तो विक्रय का जो संबंध है वो वर्तमान काल से संबंध होता है, जबकि विक्रय के ठहराव का जो संबंध है वो भविष्य, आगामी, नेक्स्ट टाइम से होता है। जहाँ तक परिणाम का सवाल है तो विक्रय जो है वो विक्रय के ठहराव का परिणाम हो सकता है, होता है, लेकिन विक्रय का ठहराव विक्रय का परिणाम नहीं हो सकता। अंतर का आधार पर ले विक्रेता द्वारा त्रुटि करने पर, तो यदि विक्रेता त्रुटि करता है तो क्रेता को दो अधिकार प्राप्त होंगे, एक तो स्वामी की हैसियत से वस्तु प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और दूसरा क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विक्रय के ठहराव में क्रेता को केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा। अंतर का आधार ले अपन क्रेता का दिवालिया होना, यदि क्रेता दिवालिया हो गया तो विक्रय की दशा में, क्योंकि माल क्रेता का माना जाएगा, तो क्रेता का जो सरकारी प्रापक है वो विक्रेता से वस्तु प्राप्त कर सकता है, लेकिन विक्रय के ठहराव में क्रेता के सरकारी प्रापक को माल प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से विक्रेता का दिवालिया होना, यदि विक्रेता दिवालिया हो गया तो विक्रेता का सरकारी प्रापक विक्रय की गई वस्तु का उपयोग दिवालिये की लेनदारियों के लिए नहीं कर सकता, वो वस्तु क्रेता को सुपुर्द करनी पड़ेगी। लेकिन विक्रय का ठहरा हुआ है तो विक्रेता के सरकारी प्रापक को वस्तु क्रेता को सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से माल का पुनः विक्रय, यदि विक्रय घटित हो गया तो क्रेता को उस माल पर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो उस माल को पुनः विक्रय करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विक्रय के ठहराव के अंदर जो है वो माल को पुनः विक्रय के अंदर परेशानी आ सकती है। मैंने क्रेता के अधिकार के संबंध में मैंने बात आपको बताई थी कि क्रेता को राइट इन रेम, विक्रय की दशा में राइट इन रेम यानी संपूर्ण विश्व के प्रति अधिकार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन विक्रय के ठहराव में केवल राइट इन पर्सोनम, केवल व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होगा, यानी क्रेता को केवल विक्रेता के विरुद्ध ही अधिकार प्राप्त होगा। यदि विक्रेता ने वो वस्तु किसी तीसरे पक्षकार को बेच दी तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि मंत्र के आधार को लें कर के रूप में, टैक्स लाइबिलिटी के रूप में, तो विक्रय होते ही विक्रेता पर विक्रय कर का दायित्व उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन विक्रय के ठहराव में विक्रेता का विक्रय कर चुकाने का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। जब तक विक्रय का ठहराव विक्रय में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक विक्रेता का कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी। और अंतिम अंतर का आधार, आदि एवं अंत,
विक्रय का ठहराव अपने को पता है कि ये विक्रय अनुबंध का प्रारंभ है, और विक्रय होते ही वो एक तरीके से विक्रय के ठहराव का अंत है। इस तरीके से आपने देखा कि विक्रय और विक्रय के ठहराव के अंदर मूलभूत अंतर है। विक्रय होते ही सारी प्रक्रिया एक तरीके से समाप्त हो जाएगी, जबकि विक्रय के ठहराव के अंदर एक तरीके से विक्रय के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दैट्स ऑल।